सूत्रधार पर सुनते हैं वेद व्यास की महाभारत। स्वागत है आप सभी का सूत्रधार द्वारा प्रस्तुत व्यासदेव की महाभारत पॉडकास्ट में। आप सोच रहे होंगे महाभारत तो व्यासदेव की ही रचना है, फिर ये व्यासदेव की महाभारत नाम रखने का क्या मतलब? केवल महाभारत से भी काम चल जाता। हमने बहुत सोच विचार कर यह नाम रखा है, क्योंकि आजकल महाभारत के कई नए और अनोखे रूप देखने को मिलते हैं। कुछ आधुनिक लेखकों की परिकल्पना तो कुछ टीवी और सिनेमा वालों के द्वारा तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया हुआ रूप। समस्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब हम कुछ भ्रांतियों के चलते यह मान बैठते हैं कि महाभारत की पुस्तक को घर में रखना अशुभ होता है। अब यह विचार कब और कैसे प्रचलन में आया हमें नहीं पता, परंतु इसका सीधा असर यह हुआ कि महाभारत के विषय में हमारी जानकारी व्यासदेव द्वारा रचित महाकाव्य के अध्ययन से नहीं, अपितु असामान्य स्रोतों जैसे कि टीवी या फिर आधुनिक लेखकों द्वारा लिखे गए संक्षिप्त रूपों से आती है। महाभारत महाकाव्य की रचना के पीछे व्यासदेव का उद्देश्य न केवल उस समय के इतिहास का लेखा जोखा रखना था, अपितु आने वाली पीढ़ियों को इससे प्रेरित होकर धर्मपरायण जीवन जीने की प्रेरणा देना था। और ऐसा तभी संभव है जब हम व्यास जी की महाभारत का संक्षिप्त में नहीं बल्कि पूर्ण रूप से अध्ययन करें। इस कार्य में आपकी सहायता करने के लिए सूत्रधार ने यह पॉडकास्ट बनाने का निर्णय लिया है। इस पॉडकास्ट के द्वारा हम व्यास जी द्वारा रचित महाभारत को उसके सटीक तथ्यों के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे और आशा करते हैं कि आप लोग इससे प्रेरित होकर इस महान ग्रंथ के महत्व को समझें और इसका गहन अध्ययन करने का प्रयास करें। इस पॉडकास्ट के लिए हमने गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित महाभारत को प्रमुख स्रोत माना है। इस प्रस्तुति का तरीका हमारा है, परंतु कहानी व्यासदेव जी की ही है। हम आशा करते हैं कि आप हमारी इस मेहनत को सराहेंगे और इस पॉडकास्ट को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेंगे। सूत्रधार की ओर से मैं मान्या शर्मा महाभारत की महान गाथा को उसके संपूर्ण और विश्वसनीय रूप में आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगी। हो सकता है इस पॉडकास्ट में प्रस्तुत कुछ तथ्य आपकी जानकारी से भिन्न हो। इस पॉडकास्ट के अलावा सूत्रधार हमारी प्राचीन कथाओं को सुंदर चित्रण के साथ हमारे मोबाइल ऐप पर उपलब्ध कराता है। इन कथाओं को देखने और सुनने के लिए आप एंड्रॉइड और iOS में सूत्रधार के मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे हमारे पहले एपिसोड में।